मैं कई सालों से गुजराती फिल्म करने की कोशिश कर रही थी, मेरी अपनी मादरी जबान है, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें, लेकिन कोई स्क्रिप्ट सही नहीं मिला। और ये जब आइडिया सुना, एक तो मानसी को मैं पहले से जानती हूँ, नाटक में काम करती हैं, तो कुछ भरोसा उससे ही बन गया हमारा। और दूसरा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा आइडिया है, एंड जिस तरह से इस पर काम किया गया है, जितनी मेहनत से काम किया गया है और जितना दिल खोल के कोशिश और पैसा दोनों लगा है इस फिल्म में, ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हुई। और जब स्क्रिप्ट फाइनली आई हाथ में, बहुत ही अनयूजुअल और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड स्क्रिप्ट थी, तो कोई सवाल ही नहीं था, पहचाने हुए लोग हैं और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो नेकी और पूछ पूछ। क्या क्या टीजर देख के? हाँ, आगे आगे देखिए पिक्चर में क्या होता है। उनकी एक लाइन है फिल्म में कि बायू पिक्चर अभी बाकी छे। आज बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ट्रेलर लॉन्च है और अभी तक टीजर लॉन्च हुआ है, एंड बहुत प्रोत्साहन मिला है, सपोर्ट मिला है, नॉट जस्ट गुजरातीज बट नॉन गुजरातीज से भी, इंडस्ट्री से भी। पार्थिवन, वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है, एंड फाइनली आज ये ट्रेलर जब लॉन्च होगा यहाँ से, तब पूरी दुनिया इसे देखेगी और रिलीज होगी 6 जनवरी 2023 को। पार्थिव, गुजराती में मानसी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं बोलना चाहूँगा कि जेवी डोंडी एवा घऊ, जेवी सासू एवी बहू। मतलब आप फिल्म में खुद देख लीजिएगा, हाँ। मतलब सास और बहू का ऐसा रिश्ता आज तक कहीं देखने को नहीं मिला, और इस फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं, आर्ट है, कच्छ की भूमि है, लेकिन जो स्टोरी है इट इज़ ग्लोबल, एंड देर आर सो मेनी लेयर्स, रिलेशनशिप, म्यूज़िक, सचिन जिगर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, गुलराज ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिलो जान से मेहनत की है, एंड वी आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 3 साल की हमारी जो मेहनत है वो आज उसका पहली झलक, मतलब कि ट्रेलर आप सब देखेंगे, और वी आर होपिंग कि सब इसे प्यार करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रत्ना जी की ये पहली गुजराती फिल्म है, शी इज़ डेब्यूइंग, दिस इज़ द फर्स्ट एवर गुजराती फिल्म दैट शी इज़ डूइंग, एंड दर्शी सफारी उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है, और जो विराफ पटेल है उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है, तो वी फील इट्स ग्रेट कि गुजराती इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा इतना बढ़ रहा है, यू नो, मलयालम, तमिल, तेलुगू, मराठी सिनेमा इतना आगे बढ़ रहा है, तो गुजराती सिनेमा भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिल गया है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर छेलो शो, जो पैन नलिन की फिल्म है, एंड आई थिंक एज अ फ्रटर्निटी एंड एज ऑडियंसेस ऑल्सो, लोगों को पता चल रहा है कि अगर कहानी अच्छी हो तो वो किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन कहानी और पेशकश अच्छी होनी चाहिए। और ये सभी कलाकार अभी हमारे साथ बैठ के ये ट्रेलर रिलीज देखेंगे, और आप सब भी हमारे साथ आइए और इस ट्रेलर का पहला लुक देखिए। एब्सोल्युटली। सी, जब ट्रेलर मैंने देखा तो इतना इंक्विजिटिवनेस आई, ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पहले नहीं देखी, इस तरह का ग्रैंड कच्छ इतना ब्यूटिफुली, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, तो बहुत इंतज़ार है, यू नो, फिल्म देखने का, एंड आई थिंक व्यूअर्स को यही लग रहा होगा। ट्रेलर लॉन्च है, इसके लिए मानसी और पार्थिव को बहुत बहुत बधाई, विरल जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी चले और लोगों को अप्रिशिएट करे। मेरे ख्याल से फिल्म तो जनवरी के आसपास शायद रिलीज़ होगी, और उस वक्त हम सब मिलकर साथ में देखेंगे फिल्म, आज ट्रेलर का मज़ा लेते हैं। हाँ, रत्ना जी हैं, मानसी खुद है, दर्शिल भी है, और भी अच्छे अच्छे होनहार कलाकार है, तो बहुत अच्छी कास्ट है, तो फिल्म अच्छी ही होगी। पार्ट नहीं हूँ, बट देन इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ के एक्टर्स को आई एम हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर लॉन्च एंड ऑल्सो फॉर द फिल्म। आपका गुजराती सिनेमामां आटली सरस फिल्म आवी रही छे, ए पण आटला वखत पछी, सो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू वॉच सच अ फिल्म। कच्छ एक्सप्रेस का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मानसी एंड पार्थिव आर लाइक
really, really dear friends of mine. I mean, I know them since so many years. And I'm so proud of Mansi. Like, I've seen her growing up. Like, you know, I mean, we both have grown up literally together. So it's so amazing to see both of them turning into producers. And we all know Mansi is a great actress. So I'm really looking forward to watching her on this film as well. मैं तो पहली फिल्म नसीर साहब के साथ करी है एंड रत्ना मैम से तो काफ़ी बातचीत है भी. तो ऑल ओवर मैं उन्हीं के लिए ही आया हूँ और मानसी जी के लिए भी. लेट्स सी, दीज आर द लिविंग लेजेंड्स, सो कांट से एनीथिंग. सब सिनेमा है सर. अभी आप यू कैन डिफाइन एनी रीजनल फिल्म, इट्स ऑल अबाउट द फिल्म. कॉन्टेंट्स अच्छा होना चाहिए बस. तीन गाने लिखे हैं और बहुत ही प्यारे गाने हैं. कच्छ की और गुजरात की मिट्टी की बहुत प्यारी महक है इसके अंदर. सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है. बहुत सारे नेटिव वर्ड्स, डायलेक्ट, बहुत नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं. तो आई एम श्योर लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा जी. कच्छ का एक जो गाना है, जो मेन एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है फिल्म के अंदर, उसके अंदर कच्छ के लोकल आर्टिस्ट के पास भी हमने गवाया है. कच्छ का डायलेक्ट भी यूज़ किया गया है और बहुत प्यारा लैंडस्केप कच्छ का आपको उस गाने में देखने मिलेगा. सो आई थिंक सो जब से पहला टीजर आउट हुआ है, पहला विजुअल आउट हुआ है, एवरीबडी हैज़ बीन रियली रियली एक्साइटेड. इट्स वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट काइंड ऑफ विजुअल्स पीपल एक्चुअली सी ऑन रीजनल सिनेमा. And I would say this is just cinema. I mean, हमने एक फिल्म बनाई है, लैंग्वेज गुजराती है. अदरवाइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम OTT का दौरान निकला था एंड पीपल वर लाइक यू नो अब थिएटर में लोग तभी जाएंगे जब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आई थिंक सो वी वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी विथ अ सिनेमैटिक एंड अ विजुअल एक्सपीरियंस. सो कच्छ एक्सप्रेस इज एक्चुअली अ फिल्म where if you want to go out in theaters and get a beautiful story narrative with visual, beautiful visuals, then this is the film. हमें जब से trailer, आज तो trailer launch है, जब से teaser launch हुआ है तब से काफ़ी excitement दिखाई दे रही है लोगों में. So I would like to say that we will live up to your expectations. We all have worked towards making this film with lots of heart, including the actors, to every crew member, to every technician. So we are just hoping for a lot of love from all of you guys. Yeah. And मुझे बहुत ही टाइम से कुछ नया करना था. एंड जब मुझे पता चला कि रत्ना पाठक शाह मैम है, मानसी पारिक मैम है, धर्म सर है, सो मैंने बस सोचे समझे बिना हाँ कह दिया. बट मुझे उसके बाद बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरीके से ये कर पाऊँगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ लेकिन मैं उतना कम्फर्टेबल नहीं था कैमरा पर गुजराती कहने के लिए. लेकिन पार्थिव सर, द क्रू, एवरी वन हैज़ बिन सो नाइस, सो हेल्पफुल कि आई मिस दिस शूट. आई मीन ये शूट करने में इतना मज़ा आया था मुझे. सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. एंड देखते बस, नाउ इट ऑल मैटर्स फॉर द ऑडियंस. मुझे मदन का किरदार दिया है इस पिक्चर में. मैं उस लुक में आया हूँ, आप बोल रहे हैं. हाँ, फिल्म में लुक थोड़ा सा अतरंगी है ना, क्योंकि वो एक अतरंगी स्ट्रीट आर्टिस्ट है. मतलब जो वो कहते ना कि स्ट्रीट आर्टिस्ट क्या होते हैं, कि एक झुंड में हर एक जगह घूमते हैं और अपने आर्ट के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं, तो दीवारों पे पेंट कर देते हैं जो खाली दीवारें होती है, या कहीं पे कोई चीज़ मिल गई उसको पेंट कर दिया और अब मन में जो बात है बोलना चाहते हैं. कहीं वो देश में कोई माहौल चल रहा है तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कि इंसानी फितरत के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं. तो वो उस तरह का आर्टिस्ट है ये मदन. और वो कैसे, वो मोंगी जो हमारी हीरोइन है मानसी जी, कालिया मोंगी जी के साथ उनका कैसे जुड़ता है और उनकी जर्नी कैसे पैन आउट होती है, ये कहानी में कुछ ऐसा उसका योगदान है.